हाय गाइज, वेलकम टू CMCIT प्रोग्राम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस अध्याय में सीखने वाले हैं MS Windows 2010 में कंट्रोल पैनल में विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल ऑप्शन क्या है और इसका उपयोग हम किस तरह करते हैं। दोस्तों, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। अगर आप विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं या कोई भी आप वर्क करते हैं तो किसी भी तरह आपको नुकसान हो सकता है। इसीलिए कंप्यूटर सिस्टम में जब भी आप विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल को आपको ऑन करके रखना है। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल होता क्या है। दोस्तों, ये कंप्यूटर का एक सिक्योरिटी है। ये विंडोज़ डिफेंडर हार्डवेयर सिक्योरिटी भी होते हैं और सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी भी होते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि मान लीजिए कि एक घर है जिसके चारों ओर दीवार होते हैं। अगर घर के बाहर किसी भी तरह का अगर जो सपोज आग लग जाए, किसी तरह का नुकसान होते हैं, तो वो दीवार क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं और अंदर में वो आपको इफेक्ट, उसका असर एंट्री नहीं होने देता है। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम का जो विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल नाम से ही जाहिर है कि एक दीवार के रूप में काम करते हैं और किसी भी तरह का जो एक्सटर्नल ट्रैफिक, जब भी आप इंटरनेट में काम करते हैं तो आपको लाखों बहुत तरह का आपको प्रॉब्लम आ सकता है। मान लीजिए हैकर देखते हैं, हैकर बहुत तरह का नुकसान पहुंचा सकता है या फिर किसी भी तरह का इलीगल एक्टिविटी। आप वायरस देख सकते हैं, बड़ा से बड़ा वायरस सब है, वो भी आपको किसी भी फाइल को करप्ट कर देते हैं या एक्सटर्नल ट्रैफिक सब आते हैं, तो सबको एक दीवार के रूप में डायरेक्ट अफेक्टेड से ब्रेक करते हैं, रोकते हैं। इसके लिए क्या होता है, तो विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल दोस्तों यूज होता है। ठीक है, तो समझ में तो आ गया होगा कि ये एक आपको कंप्यूटर का सिक्योरिटी है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, विंडोज़ को खास करके हम प्रोटेक्शन करने के लिए फायरवॉल और डिफेंडर, विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल यूज करते हैं। ये एक आपको सिक्योरिटी सिस्टम है। तो अब देखिए यहाँ पे किस तरह फायरवॉल को हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम में फायरवॉल ऑन नहीं है तो ऑन करके रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंट्रोल पैनल विंडो है जहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे आइकन्स हैं और यहाँ पे विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल है। यहाँ पे आइकन में देख रहे हैं दोस्तों, ये दीवार की तरह है। ठीक है, तो सबसे पहले ये कंट्रोल पैनल हम किस तरह ओपन करेंगे, यहाँ से कर देंगे क्लोज और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है कंट्रोल पैनल, यहाँ से हम कर देते हैं ओपन। ठीक है, जब भी ओपन करेंगे तो यहाँ जो है दोस्तों, ये जो है विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल विंडो अपीयर्स हो चुका है। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं कि विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल स्टेट ऑन हो चुका है। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, तो चेंज नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जब भी क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे एक अलग सा इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, यहां पे दो तरह का सिंबल दिया गया। यहां पे आप देख सकते हैं, अगर इस तरह का सिंबल यहां पे शो होगा, यहाँ पे शो होगा, तो आप इसे समझ में आएगा कि ये आपको विंडोज़ डिफेंडर टर्न ऑफ है और यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे टर्न ऑन है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे टर्न ऑन विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल है। अगर आप ऑफ करना है तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्लिक कर देंगे और इसमें क्लिक कर देंगे तो ये आपको प्राइवेट नेटवर्क सेटिंग्स है, प्राइवेट नेटवर्क सेटिंग्स भी ऑफ हो गया है, उसके लिए भी विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल ऑफ हो चुका है। और पब्लिक नेटवर्क सेटिंग्स, दो तरह के नेटवर्क होते हैं, प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क, इसका भी आपको विंडोज़ डिफेंडर ऑफ हो चुका है। अब क्या है, तो ये आपको प्रोटेक्शन वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये डिजेबल हो चुका है। ठीक है, जब भी आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद में आपको फायरवॉल सेटिंग्स यहाँ पे ऑफ हो गया है। ठीक है, अगर लेकिन हमें कंप्यूटर सिस्टम में जब भी वर्क करते हैं तो फायरवॉल हमें यूज़ करना होगा क्योंकि डायरेक्ट विंडोज़ में अटैक करने से हमें प्रोटेक्ट करना होगा, एक दीवार खड़ा करना होगा। तो हम फिर इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो है टर्न ऑन में क्लिक कर देंगे और टर्न ऑन में यहाँ पे भी क्लिक कर देंगे ताकि प्राइवेट और पब्लिक दोनों जो नेटवर्क सेटिंग्स है यहाँ पे विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल ऑन करना है। ठीक है, यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा मेथड्स भी है, यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स में जा सकते हैं। एडवांस सेटिंग्स में जा करके जब भी क्लिक करेंगे तो एक अलग सा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल प्रॉपर्टीज़ में आपको जाना है। यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप सब कुछ। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फायरवॉल ऑफ सेटिंग्स यहाँ पे क्या है, तो ये डोमेन प्रोफाइल यहाँ पे ऑफ है, यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ये प्राइवेट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर प्राइवेट में जा करके यहाँ पे भी हमें ऑन रखना है। ठीक है, और यहाँ पे भी हमें क्या करना है, ऑन रखना है, यहाँ से ओके कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल को ऑफ और ऑन कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी और कुछ भी है जो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जानेंगे। तो इसके साथ साथ आज का ट्यूटोरियल यहाँ पर ख़त्म होता है, इसे हम क्लोज कर देते हैं। और
यहाँ पे ये देख सकते हैं कि वीडियो रिबन फायरवेल ऑन है, ठीक है। इसके साथ साथ आज का ट्यूटोरियल यहीं पर ख़त्म होता है और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और नई वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, हमारे वो सोशल मीडियाज है, आप कमेंट कर सकते हैं ताकि सोल्यूशन कर सकूँ। धन्यवाद।